तो आज की क्लास में समीर जी हम बात करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट के बारे में जिसमें हम फोर ईच का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, इसी रिपोर्ट को आपको आगे उसको और कंटिन्यू करना है, इसी प्रोजेक्ट को। तो प्रोजेक्ट ये है कि मेरे फोल्डर में, इस फोल्डर के अंदर में मेरे पास कुछ कुछ फाइल्स है और उस फाइल्स के अंदर कुछ नंबर ऑफ शीट्स है। अब मुझे इस नंबर ऑफ शीट्स का डेटा एक शीट के ऊपर, एक डेटा के ऊपर पेस्ट करना है। ठीक है, जी तो मैंने जो डेटा फाइल है मैंने इसको बनाया और इसको मैं मान लीजिए कि ई ड्राइव में बाहर ही एल डेटा के नाम से मैंने ऑल डेटा के नाम से सेव कर दिया। अब इसके अंदर डेटा से अब मुझे करना क्या है, मैं इसका अगर मैनुअल बताऊं प्रोसीजर, तो सबसे पहले मुझे अपने उस फोल्डर से पहला फाइल को ओपन करना है। अब इस पहले फाइल के अंदर आप देखेंगे चार अलग अलग सीट, चार या पांच छह सात भी हो सकते हैं। अब मुझे एक एक करके, अब मुझे इतना पता है कि सबका हेडिंग जो है बिल्कुल सेम है, हर फाइल के हर शीट का। अब मुझे इसको कॉपी करना है और यहां पेस्ट करना, पहले शीट को, दैन हम दूसरे शीट पे जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, नीचे आएंगे, पेस्ट करेंगे, फिर हम तीसरे शीट पे जाएंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, ऐसी पूरी फाइल को। जब फाइल कंप्लीट हो जाएगी देन हमें फाइल को क्लोज कर देना है एंड अगेन ओपन द अनदर फाइल, राइट। तो चलिए इसके लिए कोडिंग करते हैं। तो विजुअल बेसिक पे जाते हैं, इंसर्ट मॉड्यूल, और यहां पे देते हैं सब्जेक्ट, यहां पे देते हैं हम प्रोजेक्ट वन बाय के ओपन। सॉरी, हमने अपना रूल फॉलो कर लिया और उन्होंने किया, इसमें डैश डॉस नहीं होता ना मैक में। तो सबसे पहले हमें वर्क बुक्स डॉट ओपन करना, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे डिम सीट नेम एस एन एज ए नहीं फाइल नेम बनाना, फाइल नेम एज ए और मैं ओपन करने से पहले मैं यहाँ पे इसको जरूरत फिलहाल नहीं है, इसकी जरूरत दूसरी फाइल में, दूसरे माइक्रो में होगी। तो हमें फाइल ओपन करना है वन नाम का, जीटी से वन नाम। ओपन स्लैश वन डॉट एक्सएलएस एक्स, ठीक है, ओपन हो गया। अब यहां पे मैं करता हूं टिम डब्ल्यू एज ए वर्क सीट्स, ठीक है। तो यहां हम लूप लगाएंगे कि फोर इच डब्लू इन वर्कशीट नहीं यहाँ पे वर्क बुक और यहाँ पे इन ऑर्डर हमें वन डॉट एक्सएलएस डॉट यहाँ पे हमें डॉट वर्क शीट, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू डॉट क्रिएट सेलेक्ट, सॉरी सेलेक्ट, उसके बाद रेंज ए वन डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी, उसके बाद रेंज करेंगे वर्क बुक्स डेटा, डेटा ही है ना, ए एल, माफ कीजिए, ए एल,
जी एल डॉट एक्सएलएसएम सेशन सर, ठीक है, डॉट सेलेक्ट सेलेक्ट में वैसे एक्टिवेट हो जाता है, सेलेक्ट सीट होता है और फाइल जो होती है वो एक्टिवेट होती है। देन शीट्स डेटा, डेटा शीट पे जाएंगे, डॉट सेलेक्ट और रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सएलएस आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल और यहां एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट, हेडिंग को रीड करना है ना इसलिए जी, ठीक है। उसके बाद वापस हम इस वर्कबुक में आ जाएंगे, डॉट ताकि हम दूसरे शीट को काम कर सकें, ठीक है जी। नेक्स्ट जब हो गया जी, हम इसको यहां पे मैं काम करता हूं टू में, टू बी ला देता हूं और इसको हम वन बाय वन रन करते हैं। फिर एफेक्ट ए फाइल ओपन हो गया, हो गया सर जी जी और यहां पे गया क्या हो गया वन डॉट एक्सएलएस एक्स टाइप मिसमैच बिन डब्ल्यू एज ए वर्कशीट, ओके हाँ यहाँ पे हमें एक छोटा सा गलती कर दिया है, ये हमारा वर्कशीट होगा, वर्कशीट्स नहीं होगा, ठीक है। चलिए ठीक है जी, सेलेक्ट में पहले यहाँ पे आइएगा, ये फाइल देखो पहले मैं सीट पे पहुंच गया ना, इसको कॉपी किया, ए ऑल को एक्टिवेट किया, डेटा शीट पे गया, नीचे जाके पेस्ट कर दिया, डिलीट, वापस वन में, ठीक है जी। फिर वापस से दूसरे सीट को सेलेक्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, डेटा पे गया, पेस्ट कर दिया, डिलीट, फिर वो तीसरे पे जाएगा, चौथे पांचवे छठे, इस तरह से वो फॉलो करता है। लेकिन अभी भी वन फाइव तो मेरा एक्टिवेट ओपन ही है, तो यहां हम क्या करेंगे, वन फाइल को क्लोज कर देंगे, क्लोज यहाँ पे डॉट क्लोज, और यहां पे हम देंगे फॉल्स, सेव नहीं करना है। हाँ क्योंकि ओरिजिनल फाइल हम जितना कॉपी की है ना सेव तो ही है, राइट जी, समझ गया जी। ये तो एक फाइल का, इसी में मुझे अगर चारों फाइल करना हो तो क्या करेंगे, फिलहाल मुझे पता है कि टोटल चार फाइल है, इसलिए हम लिखते हैं 4i=1 to 4, ठीक है जी। और नेक्स्ट आई, और यहां पे हम जो है आई देते हैं कॉन्केट कर देते हैं, राइट जी, अब यहां जो हमने बोला था ना कि हमें एक ए चाहिए, तो यहाँ पे हम डिम डब्ल्यू एफ एन फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग, ठीक है, और यहां हम कर देते हैं कि एफ एन इक्वल टू ए जो आपका दिख रहा है ना यहाँ पे इसको ले, ठीक है, तो एफ एन है उल्टा कर दिया, और मुझे जहां जहां चाहिए वहां हम क्या कर लेंगे एफएन कर, यहाँ एफएन कर दिया, यहां मुझे है इसको एफएन करना है क्या जी, इसको यहाँ एफएन करना जी, क्लियर है कोई डाउट इसमें, नो
अब इसको एक बार यहाँ पे लास्ट में एम एस जी बॉक्स यहाँ पे डेटा कॉपी कोई मैसेज, ठीक है जी हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे एक्टिव वर्क बो डॉट सेव, राइट सर जी। हम चलिए माइक्रोज में जाते हैं और इसको रन करते हैं पता क्यों आया, क्योंकि हमने एफ एन नहीं डाला, सिर्फ एफ डाल दिया, ठीक है जी। अब डिबग कर रहा है, ओहो यहाँ दिख रहा है सर जी, यहाँ भी क्या होगा एफ एन होगा, ठीक है। अब देखिए स्क्रीन चल रहा है ना सर, आ गया डेटा कॉपी डन जी। तो आप यहाँ पे चाहोगे स्क्रीन ना चले तो यहाँ पे आप एक लगा दीजिए यहाँ पे कि एप्लीकेशन स्क्रीन अपडेटिंग, स्क्रीन अपडेटिंग जी इक्वल टू फॉल्स। तो अभी ये मैक्रो में क्या करा है कि फोल्डर में से एक फाइल के अंदर अगर जितने नंबर ऑफ शीट्स हैं उन शीट्स की डेटा को कॉपी पेस्ट कर रहा है जी, ये कर रहा है ना सर, क्लियर है जी। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको करने राइट जी। अब जैसे कि यहां पे आपको फाइल ने किस फाइल से डेटा कॉपी हुआ है, सीट नेम उस फाइल के किस सीट का डेटा कॉपी हुआ है, दो चीज आपको ऐड करनी है राइट जी जी समझ गया जी। पहले चीज, अब दूसरी, अब आपको कोई एक तरीका ढूंढना है क्योंकि ये तो चार फाइलें फिक्स है ना और चारों फाइल सीक्वेंस में है तो चलो करते 1 2 3 4 नाम नाम है बट फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, दिल्ली मुंबई पुणे फलाना टिकाना कुछ भी हो सकता है ना सर जी, और फाइल चार का जगह पे 40 भी हो सकता है, 24 आपका 2 भी हो सकता है। सो आपको इस माइक्रो को डायनेमिक करना है ताकि आपकी जो फाइल है वो फाइल के काउंट के हिसाब से उठाए, ओके समझे, कि अगर फाइल में 20 है तो 20 को ले ले, फाइल में 10 है तो 10 को ले ले, राइट सर जी। हालांकि ये चीजें मैंने आपको बताई नहीं है लेकिन जहां तक मैं आपकी माइक्रोज देख रहा हूं आप फ्यूचर की चीजें भी बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हो सकता है कि मैं डेफिनेटली कर लेता हूँ पर जब कर लेता हूँ आपको पसंद आए ना आए पसंद की बात नहीं सर, हम आपकी चीजों को पसंद ना पसंद थोड़ी करते हैं, हम तो अपना फीडबैक आपको देते हैं कि ये चीजों का ऐसा है जी जी, तो फीडबैक जरूरी है ना सर, बिल्कुल बिल्कुल आई एग्री, तो फीडबैक देता हूँ ना कि हाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे लगता है कि हाँ इसमें ये चीजें ऐसे हो सकती थी, मतलब मैं ये जितना बताया वो हिसाब से करूँ या जितना ना बताया वो हिसाब से करूँ, आप अपने हिसाब से कीजिए पर ध्यान रखिए कि मैंने आपको क्या बताया था कि छोटा सिंपल सिंपल, हाँ सिंपल सिंपल कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, हम तो अभी बोल रहे हैं आप पिछले लास्ट टाइम में बताया था कॉम्प्लिकेटेड सिंपल होना, सिंपल इज द मोस्ट डिफिकल्ट वही